रख लो लो। इसको भी भूख लगी हुई है। बाकी पिछला गुड आफ्टरनून टू ऑल, माय नेम इज़ तनु। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास ऑफ नवजागृति निकेतन हाईएस्ट सेकेंडरी स्कूल थ्रोर मोड कठुआ। एज वी ऑल नो यस्टरडे द रिजल्ट ऑफ क्लास 12th हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एंड आई हैव गॉट 92.8% मार्क्स। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस मार्क्स। फर्स्टली आई वॉन्ट टू थैंक टू द गॉड टू माई पेरेंट्स एंड टू द स्टाफ मैनेजमेंट हु हैड ऑलवेज सपोर्ट मी। गुड आफ्टरनून टू ऑल, माई नेम इज़ प्रिया एंड आई एम फ्रॉम नवजागृति निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल खरोट मोड़ कठुआ। Yesterday, we all know that 12th class results has been declared and I got 92.6% in 12th board examination. I'm very happy with my marks and I always give all its credit to God, my parents, and a big credit to our school management, because without their help, without their teaching and work on me, I will never achieve these goals. But a grief in me and I have not satisfied. In theory examination, I have done all my best. I have secured 100% in almost every subject, but in practical examination, I have not got those marks which I expected to be. If the board has given me those marks, I'll be in the merit list. But apart from these, I'm very happy with my marks and thank you. Good afternoon. My name is Amit Kumar and I am a student of Navjagriti Niketan Higher Secondary School, Khrod Mor Kathua. Yesterday, the result of class 12th has been announced and I scored 92% in 12th board examination. I am very satisfied with my marks. Little bit I am disappointed with the practical marks. If I do well in the practical, then definitely I fall in the merit list. But still, overall result is my good and I am very much thankful to the staff management and teachers who support me a lot in my studies. Thank you. My aim is to become a doctor. Good afternoon. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल शाम को हमारे 12th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हुआ है, तो हमारे स्कूल ने हर साल की तरह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट जो है लाया है। मोस्टली स्टूडेंट हमारे स्कूल के जो हैं 90% अबव मार्क्स लाए हैं। हमारे स्कूल में इस सेशन में 20 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन की थी एग्ज़ाम में, जिसमें से हमारे 9 जो है वो मेरिट में बच्चे आए हुए हैं जो 90% से ऊपर मार्क्स लिए हुए हैं जिन्होंने, जिसमें से हाईएस्ट मार्क्स जो स्कोर करने वाला स्टूडेंट है उसके हैं 93%। इन रियलिटी में देखा जाए तो उस बच्चे की मेरिट पोजीशन है मेरी नज़र में देखा जाए, क्योंकि इन थ्योरी पार्ट उसने 3 सब्जेक्ट्स में 100% मार्क्स लिए हैं और जहाँ तक प्रैक्टिकल की बात की जाए तो उन बच्चों को 70% प्रैक्टिकल्स में मार्क्स मिले हैं, जिसकी वजह से उनके रिज़ल्ट में थोड़ी सी कमियाँ हैं, लेकिन ओवरऑल रिज़ल्ट हमारा बहुत ही अच्छा रहा। पहले तो आप सब लोगों का यहाँ पर आने के लिए हार्दिक अभिनंदन। मीडिया पर्सनल्स जो हमारे हर प्रोग्राम में यहाँ पर हमारा साथ देते हैं, उनके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को विदित है कि कल हमारा 12th क्लास का रिज़ल्ट जो है जेके बोर्ड का डिक्लेयर हुआ, जिसमें हमारे स्कूल के बच्चे भी एग्ज़ाम में यहाँ पर अपेयर हुए थे। 20 बच्चे एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे और इसमें से 9 बच्चे जो हैं वो 90% से अबव उन्होंने मार्क्स लिए हैं हमारे पास। यहाँ तक बात करूँ जेके बोर्ड के इस साल के स्पेशल एग्जामिनेशन की, तो जैसे आप सब लोगों को पता होगा कि विंटर जोन और समर जोन दोनों को इस बार क्लब करके कश्मीर और जम्मू डिवीज़न का रिज़ल्ट इकट्ठा निकाला गया और काफ़ी चैलेंजिंग था बच्चों के लिए। फिर भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए अच्छे मार्क्स लिए हैं, और जिसमें से हमारी बच्ची तन्नु जो है उसने 464 मार्क्स और प्रिया ने 463 मार्क्स लेके हमारे स्कूल का मान बढ़ाया है। तो मैं उन बच्चों के पेरेंट्स को और साथ ही साथ हमारे जितने भी हमारे टीचर्स जिन्होंने उन बच्चों को पढ़ाया, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उन बच्चों को उस तरीके से पढ़ाया, उस लाइक बनाया कि वो हमारे स्कूल में अपने बच्चे ये किस्म के हम जो कह सकते हैं कि अच्छे मार्क्स लेके हमारे स्कूल का मान बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
यहाँ तक मैं आगे बाकी बच्चों की बात करूँ, उसमें अमित भी हमारे अमित जी हैं, उन्होंने 457 नंबर 457 मार्क्स लेके थर्ड हमारे स्कूल में उन्होंने अपने आप में स्टैंड किया है। तो कठुआ के अंदर मैं कह सकता हूँ कि इन बच्चों ने बाकी स्कूलों के मुकाबले में काफ़ी, जिसको हम कहते हैं बाकी स्कूलों ने बड़ा अच्छा किया, लेकिन उन्होंने इन्होंने उस मुकाबले में अपने आप को पार्टिसिपेशन में डाल के हमारे स्कूल को भी आगे बढ़ाया है। तो उसके लिए बच्चों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उनकी मेहनत उनके रंग लाई है। जहाँ तक इस रिज़ल्ट की बात करते हैं, तो ये मेरे ख्याल में ये बच्चों की एक बहुत बड़ी ज़िंदगी की सेलिब्रेशन होती है, बहुत बड़ा एक किस्म का हम कह सकते हैं उनके लिए, चैलेंजिंग के साथ साथ एक उमंग की घड़ियाँ, एक प्रॉस्पेरिटी की घड़ियाँ होती हैं और भविष्य निर्धारण की समय होता है। तो जैसे बच्चों ने आपके सामने बताया भी होगा, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई कुछ बनना चाहते हैं, तो हम बच्चों को बेस्ट विशेज देते हुए यही कहेंगे कि बच्चे और कड़ी मेहनत करके जो आपका टारगेट आपने सेट किया है उसको अचीव करिए। हमारी विश विश जो बेस्ट विशेज हैं वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। और मैं अपने जितने भी बच्चों के अभिभावक हैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारे पे भरोसा किया और अपने बच्चे जहां पर हमारे स्कूल में उन्होंने यहां पर एडमिशन करवाई थी, और हम उनके भरोसे पर खड़े उतरने की कोशिश की है और आगे भी करते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं जो हमारे रिज़ल्ट के बाद जो बच्चे जो कुछ बच्चों ने अभी एडमिशन्स नहीं ली हुई है, कोई स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, मैं उनके अभिभावकों को, उनके पेरेंट्स को और उन बच्चों को भी अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ हमारे स्कूल में भी आइए, देखिए कैसा एनवायरनमेंट है, किस तरीके से हमारे यहाँ टीचिंग होती है और टीचर्स हमारे कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, या इन बच्चों से भी वो इंक्वायर कर सकते हैं और हमें भी आकर सेवा का मौका देंगे। हम उन बच्चों को उनके भविष्य के लिए अच्छा बना के हमारी कोशिश रहेगी कि वो भी अच्छा जीवन में अच्छा आगे बढ़ने की कोशिश करें और अच्छा पढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का विशेषतः धन्यवाद करता हूं कि आप हर बार हमारे स्कूल में आके हमारे स्कूलों का स्कूल का तो मान बढ़ाते ही बढ़ाते हैं और हमारे बच्चों को भी काफ़ी इनकरेज करते हैं। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।